बैक टू कल्पना डांस एकेडमी। तो आज होने वाला स्टंट क्लास हम लोग का, तो सब रेडी हो? यस सर। दूसरा बात है सर, कंपटीशन के लिए रेडी हो? यस सर। प्रैक्टिस हो रहा है कंपटीशन के लिए? यस सर। कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस चल रहा है हम लोग का, तो अभी वो स्टंट क्लास होगा। स्टंट क्लास में क्या होता है ना, बच्चे लोग जंप करना, काटवी लाटवी करना, बैकआज करना, ये सब जितना होता है वो सब सीख पाता है, उससे ईजी होता था। हम लोग के पास चार्जर गंदा है, फुल सेफ्टी के साथ होता है, चार्जर गद्दा में सिखाया जाता है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो एंड अच्छा से सीख सके। तो अभी इतना बच्चा है, उसके बच्चे थोड़ी बात पहुंचने वाला है। स्टेंट क्लास हम सबको देते हैं, जिसको जिसको इंटरेस्ट है वो कर सकते हो, जिसको इंटरेस्ट नहीं वो नहीं कर सकते। तो सबको आता है ऑलमोस्ट, तो सबको करवाते हैं। तो बहुत से बच्चे आए हैं, तो ये लोग को दिखाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और वीडियो को जरूर पूरा देखो और मजा करो। ये पोजीशन में स्ट्रेचिंग खोलने में इजी होता है। चलो चेंज कर दिखाओ। गुड, पूरा बैठोगे। गुड, वन चेंज, गुड। ये चीज करना होगा, पैर स्ट्रेट, नी को स्ट्रेट करो, नी को नीचे वाला, हाँ वाले नी स्ट्रेट करो। हाँ, ये इसमें स्ट्रेचिंग अच्छा खुलता है, ठीक है ना। सबको देखो, बैठो उसमें। गुड, चलो आप जंप करो, आप लेट से आ, चलो जंप करो, पुनः जंप करो। चलो तो फाइनल अभी देखते हैं स्टिचिंग किस से कंप्लीट है। उधर वन ऑलमोस्ट कंप्लीट है तुम्हारा, वेरी गुड। इसका कंप्लीट नहीं है स्टिचिंग। पूनम का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसका भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, आपका भी कंप्लीट है, आपका भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, राइशा का भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है ऑलमोस्ट। आपका थोड़ा सा बाकी है स्टिचिंग खोलना, आपका भी ऑलमोस्ट खुल गया है, हमारे भी ऑलमोस्ट। चलो आप सब आगे सो जाओ, सब आगे सो जाओ, पता चलेगा कब तक स्टिचिंग खुला है। सो जाओ, वेरी गुड। देखो वो सो गया, ऐसा स्टिचिंग पूरा खुलना चाहिए ऐसा। पूनम का भी वेरी गुड, सो जाओ पूरा आगे सो जाओ, इसका भी वेरी गुड खुल गया है। राइशा का भी वेरी गुड खुल गया स्टिचिंग। स्टिचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबको स्ट्रेचिंग खोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज करके स्ट्रेचिंग डायरेक्टली करके घर पे स्ट्रेचिंग खोलने से नहीं, पहले एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी को गर्म करेंगे, देन उसके बाद स्ट्रेचिंग करेंगे, ठीक है। स्ट्रेचिंग सबको करना है, जितना कोई है सबको स्ट्रेचिंग करना है, ठीक है सबको स्ट्रेचिंग करना है। ऐसे नहीं हमको आता नहीं, स्ट्रेचिंग सबको होना चाहिए, ठीक है। हम लोग उसको स्ट्रेचिंग कराते, देखिए स्ट्रेचिंग कैसे करना चाहिए। पूरा सुना है, वेरी गुड, ऐसे स्ट्रेचिंग होना होगा, ठीक है। जब तक स्ट्रेचिंग कंप्लीट है, ठीक है, चलो जब हो गया खराब हो जाओ। ठीक है, तो ऐसे स्टिचिंग सबको करना है, जितना कोई भी डांस सीख रहा हो सबको स्टिचिंग करना होगा, तब जाके बहुत अच्छा हो स्टिचिंग करने से, ठीक है। आपको क्या आता है, स्टिचिंग आता है, यस आता है, डाका जाता है, यस आता है, गुलाटी आता है, यस आता है, काटवी आता है, यस आता है, हर चीज में यस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि नो सर आता नहीं, फिर आता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हर चीज होना चाहिए, आता है यस आता है। कहीं भी स्कूल में करोगे, कुछ भी करोगे तो पूछेगा तो बोलना है आता है, ऐसे कुछ नहीं कि नहीं आता, ठीक है ना। चलो स्टिचिंग करो, पीछे को नहीं बैठोगे, ठीक है। स्टिचिंग करो, स्टिचिंग करके हाथ को आगे रखो, हाँ पीछे लगो, बैठ गए, पीछे बैठता नहीं है, ये जो बैठे गलत हो गया, रुको उठो 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 उठो, स्टिचिंग करो, स्टिचिंग करो, स्टिचिंग करो, हाँ हाइड करो, हाँ ये आगे रखो, आगे बैठना नहीं है, बस ऐसे रखना है, हाँ ये रखो, ये ऐसे रखो, ऐसे ऐसे रखो, ये 30 count 40 count करो, ठीक है, ये खुल जाएगा आपका रखकर। चलो आप ऐसे करो, आगे चलो, ऐसे ऐड करो, हाँ बिल्कुल।
तो ये देखिए अब स्ट्रेचिंग, अब दिखाएगा आपको बैक आर्च। बैक आर्च भी बहुत जरूरी है डांस के लिए, तो सबको आना चाहिए। इसमें समझ बहुत लोग को आता है, बहुत स्टूडेंट को हम लोग सिखा दिए तो बहुत 99% को आता है, कुछ कुछ को नहीं आता है जो हम लोग सिखाते हैं गद्दा का। तो दिखाते हैं बैक आर्च, गद्दा लेके आओ। सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग फुल सेफ्टी के साथ प्रैक्टिस कराते हैं, ऐसे नहीं बिना सेफ्टी के। ये हमारा जो चाचा गद्दा है, ठीक है, अच्छा तो लगा वहाँ पे बाकी सब पीछे करो। तो देखिए बैक आर्च कैसा प्रैक्टिस कराया हम लोगों से, लोग बहुत कुछ आता है। रेडी स्टार्ट वन। ये बैक आर्च तो हो गया, बट वापस उठना भी है ना, से उठो वापस। ये बैक आर्च करना चलो हो गया, बैक आर्च करके जो वापस उठता है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस उठो वेरी गुड, वापस उठो पूरा। इसके लिए क्या प्रैक्टिस करवा रहे, ठीक है, बैक आर्च करके वापस चलो। बाकी आप चाहो पीछे जाओ। नेक्स्ट चार को याद है, उसको बैक आर्च आता है, एक वेरी गुड। और किसको आता है दो वेरी गुड, तीन। और किसको आता है ना, चार आता है। चल रेडी स्टार्ट वन, वेरी गुड। जब आप गिर गए ऐसे नहीं करना है, जितना बैक आर्च छोटा करो उतना अच्छा होगा, ठीक है। बैक आर्च करो, स्टार्ट वन करो, हाँ वेरी गुड। जैसे थोड़ी पीछे करो, ऐसा वेरी गुड, ठीक है। पीछे जाओ और बाकी नेक्स्ट किसको आता है, आ जाओ आता है ना आज का आता है। और वो सप्ताह हो गया ना, आपकी जरूरत आपको नहीं आता, आपकी जरूरत आज को नहीं आता। चलो जिसको नहीं आता है उसको हम लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं देखिए। चलो आपको नहीं आता प्रैक्टिस, सबसे पहली चीज पहला सेफ्टी गद्दा है, कोई टेंशन नहीं। दूसरा सेफ्टी कि पकड़ना होगा हाथ से, ऐसे नहीं जैसा तैसा करा दिया, ठीक है। चलो बैक आर्च, ये पकड़ रहे हैं हैंड से सपोर्ट दे रहे हैं, चलो ये धीरे धीरे करते 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 हो जाएगा। चलो बैक आर्च, आस्ते, ठीक है, बहुत स्पीड जा रहा है, स्लो जा रहा है, ठीक है। चलो बैक आर्च, गुड। इसका एक दो क्लास में और बैक आर्च कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। चलो आप दिखाओ, गो गो गो, चलो बॉडी को कंट्रोल करो, ठीक है, जिससे से नहीं करना, फिर से करो वन, आराम से जाओ। चलो ये नया है, इसको टाइम लगेगा बट हो जाएगा। इसे चलो इसका ऑलमोस्ट बैक आर्च हो गया, देखिए चलो फ्रेंड के लिए आ जाओ आयशा, चलो अपन जाओ नीचे। तो देखो बैक आर्च कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या सीखना है फ्रेंड, अगर बैक आर्च कंप्लीट हो जा रहा है तो हम उसमें सिखाएंगे हाथ रखे जो फ्रेंड मारते वो सिखाएंगे, ठीक है। राइट सिखाएंगे, चलो हटो आप लोग पीछे रखो। चलो वन, चलो बैक आर्च होने के बाद ये चीज सिखाते हैं, बैक आर्च कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड।
ठीक है, बैका से होगा तुम लोग ये सिखाते हो, उसको भी हाथ चला दो, जिसको जिसको ऑलमोस्ट बैका जाता है उसको सिखा है, देखो स्टार्ट फ्रंट गुड इसे उठो इसे करो गुड वापस उठो, उठने की कोशिश करो, मारने के बाद उठने की कोशिश करो, ठीक है, बैका से कंप्लीट होगा उसके बाद ये सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे ये, ठीक है, समझ में आता सबको, फिर ये देखो चले जाओ बैक आज कंप्लीट होने के बाद और एक चीज सीख सकते हैं, इधर देखो बैक आज स्ट्रेचिंग स्टैंड का मेन चीज है, बैक आज और स्ट्रेचिंग, ठीक है, साइड स्ट्रेचिंग हुआ, फ्रंट स्ट्रेचिंग हुआ, ये दो चीजें कंप्लीट हो जाए तो स्टैंड में बहुत चीज में हेल्प हो जाएगा, देखो बैक आज करो, बैक आज करो, बॉडी पे कंट्रोल रखना है, हबड़ा मत, शोल्डर के ऊपर करो, पैर मत पकड़ो, बस बैक आज होने के बाद हम लोग ये चीज कर सकते हैं, ठीक है ना, बैकअप सीखने के बाद ये चीज कर सकते हैं, तो बैकअप की ना मैं ना बैकअप कर लेता हूँ, चुम्बित बनना है, स्ट्रॉंग बनना है, नहीं होगा तो बोलना है कि सर मेरे को मेरे से नहीं हुआ, पीछे खड़ा होकर थोड़ी पता चलेगा, आना है आगे, बैकअप करो, गो 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 गो, वेरी गुड, तुम्हारा कंप्लीट है, डरो मत, ठीक है, फिर से करो, चलो दिखाओ, स्टार्ट, वन, गो, मुंडी पीछे ले जा, राइट, फिर डर रही है, हाथ ऊपर, मुंडी को पीछे, चलो, स्लोली स्लोली, गो, गो, डर मत, चलो, कम ऑन, स्टार्ट, गो, 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 ये देखो, फिर हो गई तू, हैंड ऊपर लेके जाओ, चलो स्टार्ट, बैठा, मुंडी को पीछे करना है, हेड को पीछे करना है, चलो स्टार्ट, तो जाओ, गुड, देखो, अपने से कर लिए, पता है, डर के खाली, डरो मत, चलो फिर से करो, गो गो, क्या है सीख गई, देखिए सीख गई ना, थोड़ा सा खाली बाकी है, हो जाएगा, चलो स्टार्ट, वन गो गो, ये देखो अपने सीखे, तुम अपने सीखे, फिर से करो स्टार्ट, अपने सीखे, ठीक है ना, अपने सीखे ना बैकर्स, चलो करना होगा, बार बार करोगे तब जाके होगा, मारो वन, मारो
गुड है तो हुआ हैंड पावर दो थोड़ा चलो होगा मारो स्टार्ट मारो चलो मार चलो स्टार्ट मार गुड बढ़िया समझ मारा एक बार कर ले इधर देख कर चलो मारो मार गुड नेक्स्ट तो एक सिखाते काटबी बैकाच तो हम लोग पहले सिखाते गुलाटी साइलेंस है साइलेंस पहले सिखाते गुलाटी जो एकदम बिगनर रहता है क्योंकि हमारा छोटा बच्चा रहता है शुरू शुरू स्टार्टिंग एक कर रहा है उसको सिखाते हम क्या सिखाते हैं बहुत दिन से कर रहे थे तो गुलाटी पर तो बहुत ही अच्छा हो गया जब गुलाटी कम्प्लीट हो गया हम लोग सबका कम्प्लीट है जब हम गुलाटी नहीं सिखाते डायरेक्ट हम नया कुछ सिखा रहे ये सीख जाएगा ये सीखने के बाद और कुछ नया सिखाएंगे ये सीख जाओगे नया उसके बाद और कुछ नया सीखेंगे ठीक है ऐसा करके होता है प्रोसेस ठीक है तो गुलाटी सबको कम्प्लीट हो गया बैकफ्लिप सीखना है बैकफ्लिप भी होता है बट बैकफ्लिप के लिए ना अभी और मजबूत होगा नहीं नहीं इससे भी होगा बट और मजबूत ठीक है और मजबूत चीज हम पहले जो बैटरी में जो टेक्निक बता के सिंगल सिंगल लेग फेंकता है चलो वन ये कर दो फिर से कर दो चलो स्टार्ट वन चलो कर दो वेरी गुड ये बैकाच होने के बाद सबसे पहले क्या सीखना है बैकाच और ये दो चीज सबसे पहले सीखना है आपको प्रैक्टिस हो गया वीडियो को पूरा देखो और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो ओके बंदे लाइक से बोलते हैं।